फैमिली तो उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन दाल चावल। आपको मैं तो रेसिपी बता दूँ, किस तरह हम बनाएंगे वो आपको सारा बताते हैं। लहसुन अदरक कूट लेते हैं, चलेंगे। लहसुन अदरक हमारा कूट चुका है, इसका पेस्ट बन गया है। सबसे पहले हम आप चूल्हा चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया, अब इसमें हम घी डालते हैं। सबसे पहले घी डालेंगे, घी भी जमा करना है। चलिए, ये हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले नमक, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने डाल दिया, अब इसमें हम चिकन डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये बताते हैं साथ हम खीरा भी काट लेते हैं। सलाद जो है वो सलाद बना लेते हैं, वो सलाद बना लेते हैं। जितनी देर चिकन हमारा फ्राई होता है उतनी देर साथ सलाद बना लेते हैं। जो है मैंने खीरा काट लिया है, जी हमने प्याज जो है वो काट रही हूँ। चुकंदर और प्याज साथ जो है जी चावलों के साथ, दाल चावल के साथ बड़ा मज़े का लगता है। प्याज हो, टमाटर हो, अभी काट रही हैं। और चिकन भी हमारा जो ब्राउन होना शुरू हो गया, इसको अच्छी तरह फ्राई करना, भी इसकी स्मेल चली गई। अब इसका जो है ना जी घी निकालेंगे हम। चिकन देख सकते हैं इसको इस तरह का फ्राई करना है, भी ब्राउन करना है, इसको अच्छी तरह ब्राउन करना। फ्राई हो गया, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तो इसको अब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बाकी मसाले के बाद डालते हैं। ये हमारा जो जितनी देर चिकन की बनाई होती है ना, भूनते हैं इसको, हम फ्राई करते हैं, जितनी देर हम जो चावल साथ बॉईल कर लेते हैं। इसमें घी डालूंगी, अब इसको गर्म होने देते हैं। बस थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा महंगा हो गया इसलिए, महंगा हो चुका है इसलिए हिसाब से ही डालते हैं हर चीज़ में ना तरीके से। ये हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमने वाइट चावल बनाने हैं बॉईल। नमक डालेंगे चावलों में, अब चावलों का जो पानी है इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चिकन जो है हमारा लहसुन के साथ ही फ्राई हो चुका है, हम इसमें जो है ना नमक मिर्च डालते हैं। आइटम डाल दिया था, अब इसमें हम मिर्च डाल, 1 चम्मच हम मिर्च डालेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। 1/2 चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे और नमक हम डाल चुके हैं, बस ये चीज़ें डालनी है। अब अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें दाल डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डाल कर फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, फिर पानी लगाते हैं। हमने डाल ली है, अब अच्छी तरह इसको फ्राई करते हैं। ऐसे मिक्स करना दाल डाल कर सारा अच्छी तरह। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करके फिर इसमें पानी लगाना है। दाल हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें लगाएंगे पानी। पानी थोड़ा सा और डलेगा। ये देख लें माशाल्लाह, इसका कलर इतना प्यारा आया, तो पकने में कितनी देर लगेगी। भाई ये हमने इसे पानी लगा दिया, अब इसे हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। जो प्रेशर भी बच्चों से गिरा और ये टूट गई इसकी मोटी,
लेकिन चल रहा है, गुजारा हो रहा है जब तक होता है वही है गुजारा। चलें क्योंकि 5 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा दिया। अब चावलों का पानी बॉइल होता है तो फिर चावल डाल देते हैं। अब बॉइल हो चुका है चावलों का, ये चावल हमने धो के भिगोए हुए थे क्योंकि चावल जो है 15-20 मिनट भिगले रहने चाहिए, जोन से भी मर्जी हो चावल, लेकिन थोड़ी देर भिगो के रखने चाहिए, अच्छे चावल बन जाते हैं, फूल जाते हैं। हमने डाल दिए थे वो माशाल्लाह से पकने शुरू हो गए हैं, ये पकते हैं तो फिर इनको हम दम लगाते हैं। देखो कि पानी हमारा खुशक हो गया है, चावल माशाल्लाह दम वाले हो गए हैं, अब हमें इसको दम लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, उतनी देर हमारा प्रेशर भी चल रहा है। दम लग गया हमारा, चूल्हा सूख गया आदि, उतनी देर हमारा प्रेशर चल जाता है, प्रेशर भी हमें 5 मिनट के लिए दाल को गुलाना है, गल देती है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह अगाने में हो रही है, इसलिए माशाल्लाह से चावल जो है केला केला चावल है, और केला इसलिए भी हमने इसमें घी डाला था बॉईल करने वक्त, तो जब भी बनाने हैं इसमें डायरेक्ट पानी में नहीं डालने, पहले घी गर्म करें, आपको मैंने तरीका बता दी है। अभी इसके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, साथ हम जो है ये इसका तड़का कर रहे हैं, घी गर्म हो गया, मैंने इसमें जो है ना 4-5 मिर्चें मोटी डालनी तड़के के लिए। चलो जी, ये माशाल्लाह से हम खोलने लगे हैं प्रेशर कुकर, ये दाल देखते हैं माशाल्लाह, ये देखिए कितने मज़े की बनी है। इधर हमारा जो है तड़का तैयार हो रहा है, ये है हमारी चिकन दाल चावल, इसी तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बच्चों को भी बहुत मज़े की लगेगी, और नई रिश्ते से आप लोग की माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह ताला, बना कर और ट्राई करें ज़रूर। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, ये बहुत मज़े की दाल है, अच्छी खुशबू आएगी। ये हम डाल देते हैं हरी मिर्च, ये अब जो तड़का हमने बनाया लाल मिर्च का, ये ऊपर डालेंगे, बिस्मिल्लाह, ऊपर से बंद कर देना, एकदम से सारी उसकी खुशबू तो बाहर निकल जाएगी और दाल में क्या जायका उसका आएगा। रहमान रहीम, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा, कितनी प्यारी मज़ेदार दाल बनी है, और इसी तरीके से ज़रूर बनाएं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं ये चीज़ लेती, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह चावल कितने मज़े के बने हैं, और जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से आप बनाएं इंशाल्लाह ताला बच्चों को भी बहुत मज़े की लगेगी। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।